प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा दसम में हम हिंदी क्षितिज के गद्य भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भाग एक में हमने जो हमारा पाठ था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा कि लेखक ने अपना नाम अमर करने के लिए एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में लेखक ने कई तरह के विचार अपने मन में प्रकट किए, देवालय खोलना, पुस्तक लिखना आदि आदि। लेकिन अंत में लेखक ने एक ही निर्णय किया कि पाठशाला खोली जाए। पाठशाला के लिए लेखक ने प्रयास किया, मित्रों का सहयोग भी लिया, धन की भी आवश्यकता हुई तो मित्रों ने उनका सहयोग किया। पाठशाला बनकर तैयार हुई, हिमालय की कंदराओं से जाने माने आचार्य पंडित बुलाए गए। जब पंडित आ गए तो फिर आगे की जो रचना है हम इस भाग दो में उसका अध्ययन करेंगे। इन पूर्वोक्त जो पंडित थे, जिनके नाम थे कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्कवाचस्पति, प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक, धर्मशास्त्र, प्राणांतक व्याकरण अध्यापक, वैद्यक शास्त्र, लुप्तलोचन, ज्योतिषाभरण अध्यापक, ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक, नीति शास्त्र और आत्मविद्या, इन समस्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। यानी लेखक ईश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि ईश्वर कह रहा है कि मैं अकेला इसमें सफल नहीं हो सकता था, मित्रों के साथ साथ ईश्वर का भी हमको बहुत सहयोग मिला। और ईश्वर ने ही विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ चित्त की प्रशंसा करते हैं। लेखक कहता है कि हम उस ईश्वर को करोड़ों धन्यवाद देते हैं और जो हमारा चित्त था मन का स्वार्थ रख पाठशाला खोलने का, नाम अमर करने का, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और उसी स्वार्थ चित्त की ही प्रभावता की ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। यानी लेखक कह रहा है कि जो ईश्वर था उसको ये स्वीकार हुआ कि हमारे इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बजे थे, द्रव्य यानी पैसा, धन। लेखक कहता है कि पाठशाला खोलने के लिए हमें कई प्रकार के धन की आवश्यकता हुई। तब कोई नहीं जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। लेखक ने कहा कि जो हमने कल्पना की थी, जो स्वप्न देखा था, जो विचार मन में लाया था, वो विचार शायद हमारा पूर्ण भी नहीं हो पाता, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा भी पूर्ण हुई। यानी हमारी पाठशाला बन करके तैयार हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारे संतान के लिए बचा भी रहा। लेखक ईश्वर के साथ साथ अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता है, क्योंकि ईश्वर यदि ऊपर से मदद करता है तो नीचे धन संग्रह करने में मित्रों ने भी लेखक की बहुत मदद की। वो पाठशाला बनकर तैयार हुई, सारा खर्च निकल गया, इसके अलावा भी उनके पास में बहुत सा पैसा बच गया। आगे लेखक कहता है कि हमारी 10-5 पीढ़ी और हमारे संतान के लिए सारा खर्चा चलता रहे, इतना पैसा हमारे पास बच गया।
हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मुछे ही मुछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भलीभांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डेढ़ अंगूर फिर हरे किए। मैं लेखक सब प्रकार से मित्रों को ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आप लोगों की कृपा थी, नहीं तो मेरे पास क्या था, मैं अकेला क्या कर सकता था। लेकिन सभी के सहयोग से, मित्रों के और परमात्मा के सहयोग से पाठशाला बन करके तैयार हुई। इसलिए लेखक बार बार परमात्मा को धन्यवाद देता है। ये सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान हैं, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। यानी इस कलयुग में ऐसी महान पाठशाला बनना बहुत कठिन था। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। यानी इंद्र को भी जो मुग्धमणि शास्त्री प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे महान आचार्य मुग्धमणि शास्त्री लेखक को बिना प्रयास के हिमालय की कंदराओं में प्राप्त हो गए। यानी इंद्र भी उनको जंगलों में समुद्रों में ढूंढता फिरा था, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। और जब ऐसे मुग्धमणि जैसे शास्त्री नहीं मिले, तो गुरु बृहस्पति को ही इंद्र ने अपने पास रखा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती बिला जाती है। यानी बहुत बुद्धिमान है पंडित राज, इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। मतलब इतने ज्ञानी हैं कि यदि ये परिश्रम करें अपने ज्ञान के द्वारा, तो बड़े से बड़े पंडित को ये मूर्ख बना सकते हैं, और यदि कोई मूर्ख है तो उसको ये महान पंडित बना सकते हैं, इतने ज्ञानी हैं ये। आगे कहता है लेखक अगले की कि हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। दूसरे आचार्य पाखंड प्रिय, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। यानी जब हमारे पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय पाखंड प्रिय क्या थे, लोगों को इन्होंने अपने वश में कर रखा था, अपने मोह में पास में बांध रखा था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी हमारे देश में आई, लोग अंधविश्वास से बाहर निकले, तो ऐसे महान पाखंड प्रिय पंडित की दुर्दशा हुई, और ये भी अपने प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरी ध्रुवा पे, हरी घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते रहे, अपने समय को काट रहे थे धीरे धीरे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। खूब ऐश किए इन्होंने, लोगों को अपने मुँह में बांध रखा था, लोगों को मूर्ख बना बना करके खूब आराम किया, और अंत में भाग करके हिमालय की कंदराओं में भी जा करके छिप गए। कहाँ तो भोग विलास में लिप्त रहा करते थे, और कहाँ स्वान सरगाल के संग दिन काटने पड़े। हिमालय की कंदराओं में जंगलों में क्या है, सियार और कुत्ते स्वान सरगाल उनके साथ में दिन काट रहे हैं। परंतु थे तो बुद्धिमान पाखंड प्रिय, थे तो क्या हुआ, बुद्धिमान थे। लेखक ने कहा फिर, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर चार पाँच दिन में पानी फेर देंगे। यानी इनकी बुद्धि पर विश्वास था, और लेखक इनको भी लेकर के आ गया। आगे चलिए, तीसरे जो महापंडित लेकर के आए थे लेखक, इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी।
ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। यानी देखिए फिर पंक्ति, कितना ही गहन रोग से पीड़ित व्यक्ति क्यों न हो, रोगी क्यों न हो, एक क्षण भर में स्वर्ग का सुख को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक वो औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। यानी दवा देने के बाद में व्यक्ति इस संसारिक व्यथा से, संसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अगले जो आचार्य थे हमारे, लेखक कह रहा है कि जो चौथे आचार्य हैं वे हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं, कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर के ढूंढ लाए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, इन्हें कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। कहने का मतलब है कि ज्योतिषाभरण जी जो पंडित हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण जी, ये तारों ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी आकाश में जो ग्रह नक्षत्र तारे की जो जिन्होंने खोज नहीं की, वो तारे नक्षत्र भी इन्होंने खोज लिए हैं। अगले पंडित हैं शील दवानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इसे तो थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु बाणासुर रावण, देखिए शील दवानल जी के बारे में लेखक कह रहा है कि वेणु बाणासुर रावण दुर्योधन शिशुपाल कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। इतने महान अपने आप को बताते हैं ये, और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें। लेखक कहता है कि हमारे इस विद्यालय में, हमारी पाठशाला में ऐसे महान महान पंडित हैं जिनका कि भी लेखक ने उपरोक्त वर्णन किया है, तो कह रहा है कि आप अपने अपने बच्चों को इस पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि ऐसा सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसे महान आचार्य आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। और वे आदि की तो कुछ चिंता न करें, क्योंकि पैसा इतना लेखक के पास में जमा हो गया, इसलिए लेखक ने कहा कि किसी खर्चे की आप चिंता न करें, क्योंकि आगे क्यों प्रथम हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, यानी किसी आचार्य को वेतन देने की आवश्यकता नहीं है। दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, अभी 2-5-10 साल तो हम देंगे नहीं। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का भंडार बांध देंगे, नहीं ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधित द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें, यानी उनके भोजन आदि की व्यवस्था कर देंगे, रहने की व्यवस्था कर देंगे। इसके अलावा इनको कोई मासिक नगद वेतन देना नहीं है, इसलिए आप खर्चे की चिंता न करें, अपने अपने विद्यालय अपने बच्चों को हमारी पाठशाला में आप इन महान आचार्यों से ज्ञान लेने के लिए भेजें। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ था जो एक व्यंगपूर्ण पाठ के रूप में था। लेखक ने अपना नाम अमर करने के लिए पाठशाला खोली, महान आचार्य बुलाए। आगे कुछ प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का आपको मनन करना है, अध्ययन करना है। पाठ में हमने पाठ परिचय पढ़ा, लेखक के बारे में पढ़ा, और आगे भी जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान कहाँ है, तो काशी का।
प्रियंका शब्दार्थ है, क्या बताया था? प्रियंका पलंग। आगे लेखक के मन में कई प्रकार के विचार आए, उनमें से कुछ प्रश्न हैं। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया था? सबसे पहले लेखक के मन में विचार आया था देवालय बनाने का, यानी लेखक के मन में प्रथम कोई देवालय बनाकर छोड़ जाने का विचार आया था। उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए थे लेखक ने? लेखक ने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर उन उद्दंड पंडित बुलवाए गए थे। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम था लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण। इसके आगे हमने पाठ पढ़ा है कि लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गए, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है। तो आप इस पाठ का ध्यान से मनन कीजिए, तो इसी पाठ में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।